संतान की मंगल कामना और सुखी जीवन के लिए महिलाएं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत को पूर्वी उत्तर भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए, दूसरा दिन व्रत का यानी निर्जला उपवास का और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। बिहार या और पूर्व उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं होती हैं वह नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं, फिर रात होने पर सतपती या झिंगी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मानता है कि यह खाना चीले या और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जितिया भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता है महिलाएं इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं करती, व्रत करके ही अपने व्रत का पारण करती हैं। जितिया व्रत छठ व्रत की तरह बहुत कठिन होता है। ऐसी मानता है कि इस व्रत के पुण्य प्राप्त से संतान पर कभी संकट नहीं आता। जीवित पुत्रिका व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि यह व्रत स्वर्ग सिद्धार्थ चूंकि सास को वैकुंठ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्म शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अनजन्म बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवित दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रहेगा। नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा यानी कि व्रत का पारण किया जाएगा। तीसरे दिन 26 सितंबर गुरुवार को सुबह सूर्योदय के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। 23 सितंबर सोमवार की दोपहर 1:51 से और 24 सितंबर मंगलवार की दोपहर 12:39 पर सप्तमी तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा, सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। अष्टमी तिथि 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:04 से शुरू होकर 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 तक समाप्त होगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार की दोपहर 12:25 तक। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। जितिया व्रत की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा। 25 सितंबर बुधवार को सुबह 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा शाम 6:14 से 7:26 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। 26 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:02 से 8:30 के बीच में। अब जानते हैं कि इस व्रत को रखा कैसे जाता है। तो पहले दिन नहाए खाए वाले दिन जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं पहले नहाए खाए करती हैं यानी महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद्ध कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती। इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकते हैं लेकिन जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है
यानी खरजितिया होता है, उस दिन आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। खुरजितिया के दिन विधि विधान के आपको जितवाहन भगवान की और चीलो और सियारिन की पूजा करनी होती है। तीसरे दिन जितिया व्रत के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है, और इस व्रत का पारण करने के बाद माताओं को सबसे पहले जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद वह अपने अपने घर की अपने अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान ग्रहण करती हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर जितिया व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।